Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This is my email ID. This is, and the lecture will be in bilingual mode. And nowadays we are discussing topics under primary education. And learning burden is a very interesting topic under the head main heading of primary education. Learning burden, that is problem of curriculum load. And the lecture will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular and professional BA, MA and BA DMET courses. Okay, so let's start. Learning burden. अधिगम बोझ है ना. जब हम नहीं जानते हैं इस टॉपिक को तो हमको लगता है कि मतलब हम उसको क्लियरली नहीं समझते कि ये बोझ अधिगम का है कि बोझ बस्ते का है कि बोझ बच्चे के मन पर है. कहाँ से ये बोझ आया? तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है लर्निंग बर्डन. द फेज और प्रॉब्लम किसका है? ये करिकुलम लोड का प्रॉब्लम है. जो हमने पाठ्यक्रम का बोझ बच्चे के ऊपर डाल दिया है वहां से ये लर्निंग बर्डन आया है. द फेज करिकुलम लोड सजेस्ट्स दैट सम इम्बैलेंस और इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन अवर कैपेसिटी टू इनैक्ट और एक्टिवेट ए करिकुलम विच इटसेल्फ इज परसीव्ड एज ओवरलोडेड. मतलब ये बताता है कि कुछ तो कुछ असंगति विसंगति है, कुछ तो दिक्कत है कि हम जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए उसके बीच में कुछ इनबैलेंस या इनकॉन्ग्रुइटी है जिससे कि ये करिकुलम लोड उत्पन्न होता है. द सिचुएशन ऑफ ओवरलोड हैज बिकम वर्स ओवर द इयर्स विद प्री स्कूलर्स कैरिंग बैग ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स एट सच एन अर्ली एज. वो कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो ओवरलोड की सिचुएशन है ये और बेकार हो जाती है तब छोटे छोटे बच्चे प्री स्कूल के बच्चे अपना बैग बुक्स नोटबुक ले जाते हैं अर्ली एज से. लेजर हैज बिकम अ हाईली स्केर्स कॉमोडिटी इन चाइल्ड्स लाइफ बीच इन दी अर्बन और रूरल सेटअप. वो कह रहे हैं चाहे शहर में पढ़ने वाला बच्चा हो या गांव में पढ़ने वाला बच्चा हो उसके लिए लेजर जैसा टाइम खाली समय एक स्केर्स कॉमोडिटी है. मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है. The child's innate nature and capacities have no opportunity to find expression. वो कह रहे हैं बच्चे का जो जन्मजात उसकी जो प्रतिभा है जो उसकी प्रकृति है जो उसकी आवश्यक capacities मतलब उसकी क्षमताएं हैं उनको कोई अवसर नहीं मिलता कि वो उनको कोई अवसर नहीं मिलता कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं. Covering the syllabus has become an end in itself. वो कह रहे हैं कि बस syllabus को cover कर देने से ही सारे काम अपने आप में खत्म हो जाने हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है syllabus को cover करना है. Both अच्छा हम curriculum और syllabus का अंतर पहले पढ़ चुके हैं ठीक है. Both the teacher and the child have lost the sense of joy involved in the education process. वो कह रहे हैं चाहे वो शिक्षक हो या शिष्य हो दोनों ही जो education process जो शिक्षा की प्रक्रिया में involve होती है जो खुशी जो sense of joy होता है उसको वो खो चुका है कहीं. Teaching and learning have both become a core for most of the children. बहुत से बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सिर्फ और सिर्फ काम है जैसे household core होता है उस तरीके से. Despite official stipulations that no textbooks be used at an early age, most of the preschool teachers and parents in the urban centers are feeling compelled to burden the young child. वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि बहुत सारी ऐसी official मतलब सूचनाएं अधिघोषणाएं हुई हैं कि कोई textbook बहुत छोटे age पे बच्चा नहीं ले जाएगा. इसके बावजूद बहुत सारे preschool के teachers और even parents ये compelled मतलब उनको लगता है कि ये मजबूरी है कि हमको ये बर्डन बच्चे को देना ही है ठीक है. अच्छा जो लर्निंग बर्डन का कंसेप्ट है तो ऐसा नहीं बहुत सारे कमीशंस और कमिटीज ने इस बात को सोचा कि लर्निंग बर्डन है क्या है. तो बहुत सारा ईश्वर भाई पटेल कमेटी जो 1970 में आई एक 1984 में एनसीईआरटी की का फोकस आया था इसी पर लर्निंग बर्डन पे करने के बाद यशपाल कमेटी बनी थी और उसको ये काम दिया गया उसको ये कहा गया क्या कहा गया टू एडवाइज ऑन द वेज एंड मींस कि आप हमको एडवाइज कीजिए वो रास्ते बताइए वो तरीके बताइए टू रिड्यूस द लोड ऑन स्कूल स्टूडेंट्स कि जो विद्यालयी बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका लोड हम कैसे कम कर सकें एट ऑल लेवल्स सभी स्तरों पर पर्टिकुलरली द यंग स्टूडेंट खासतौर से छोटे बच्चों का और सभी स्तरों पर हमको उनका लोड कम करना है उसके लिए हमको तरीके और मार्ग सुझाइए. व्हाइल इसके साथ साथ हमको और क्या करना है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग केपेबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग एंड स्किल फॉर्मेशन. इसके साथ साथ हमको अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है
लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी इंक्लूड करनी है और स्किल फॉर्मुलेशन की। तो ये मुद्दे के साथ यशपाल जी इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के, और इनको ये रिपोर्ट कहा गया कि आप अपनी सबमिट कीजिए। तो 15 जुलाई 1993 को ये रिपोर्ट सबमिट होती है, और इसका जो टैग है वो क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बोझ रहित अधिगम। तो बहुत इसने स्टडी की, बहुत सारे स्कूल्स प्रिंसिपल्स विद्वान लोग इवन बच्चों से पेरेंट्स से इन्होंने बातचीत की, बहुत इन्होंने कॉजेज बताए हैं कि क्यों इस तरीके से होता है, एक्चुअल क्या सिचुएशन ये बताया, फिर बताया इसके कारण क्या है, और फिर इन्होंने सुधार के सुझाव भी दिए हैं। तो ये पूरा जो ये लेक्चर है आज का वो यशपाल कमेटी पर ही बेस्ड रहेगा। तो यशपाल कमेटी वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, और वैसे भी ये नहीं जो जिनका एजुकेशन से लेना देना उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है ये, बहुत सारी स्लाइड्स हैं इसमें, लेकिन मैंने पूरी यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को इसमें कवर किया है। अवर कमेटी वॉज कंसर्न विद वन मेजर फ्लॉ ऑफ अवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यशपाल कमेटी में लिखा गया है कि हमारी जो कमेटी है, अवर कमेटी वॉज कंसर्न विद वन मेजर फ्लॉ, मतलब उनको ये निकल के आया कि एक मेजर फ्लॉ उनको सिस्टम ऑफ एजुकेशन में समझ में आया, कौन सा, दिस फ्लॉ कैन बी आइडेंटिफाइड ब्रीफली बाई सेइंग दैट A lot is taught, but little is learnt or understood. वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ सिखाया जाता है लेकिन बहुत थोड़ा बच्चा सीखता है और समझता है, सीखता है समझता बहुत थोड़ा सा, हम पढ़ाते बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सारे हेडिंग्स के तहत इन्होंने एक्चुअल सिचुएशन को डिस्कस किया, उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया जॉयलेस लर्निंग। इन्होंने कहा जो कुछ भी सिखाया जा रहा है कक्षा कक्षों में, उसमें कहीं भी कोई जॉय की फीलिंग बच्चे को नहीं आती, कोई खुशी की बात नहीं। Bearing though studying in reputed or exceptional institutions, the majority of our school-going children are made to view learning at school as a boring, even unpleasant and bitter experience. वो कह रहे हैं मुश्किल से कुछ बहुत reputed institution होंगे, कुछ exceptional institution होंगे जिनमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन majority मतलब बहुत से अधिकांश हमारे जो school-going children हैं उनके लिए learning क्या है school में, एक boring, एक सुखद, एक मतलब दुखद और एक कठोर अनुभव होता है, कटु अनुभव होता है। दे आर क्लियरली सोशलाइज्ड टू लुक अपॉन एजुकेशन एज मेनली ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। वो कह रहे हैं कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बना रखा है कि एजुकेशन सिस्टम लगता है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं कक्षाओं में। No other motivation seems to have any legitimacy. और कोई motivation बच्चे के पास नहीं होता है। फिर इन्होंने दूसरा point लिया examination system. हमको पता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से बात चल रही है कि एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल गड़बड़ है। Much has been written by various official committees on the ills of our examination system. कह रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली की बुराइयों पर बहुत से कमीशन कमिटीज ने बहुत कुछ लिखा है already. The major well understood defect of the examination system is that it focuses on children's ability to reproduce information to the exclusion of the ability to apply concepts and information on unfamiliar new problems or simply to think. वो कह रहे हैं कि major जो दिक्कत हमारे examination system में है वो ये है कि ये focus करता है कि सिर्फ जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वो रिप्रोड्यूस कर सके इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमने इन्फॉर्मेशन कहीं से सीख की है, उसको हमने मेमोराइज किया और हमको एग्जामिनेशन में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन फिर से लिख देनी है, और हम क्या क्या नहीं करते हैं, कोई उनसे कॉन्सेप्ट्स पर, कोई उनकी एबिलिटी नहीं चेक करते हैं कि वो कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को जो उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं, अनफेमिलियर सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई की जा सकती है, न्यू प्रॉब्लम्स या सिंपली टू थिंक, मतलब हम सोचने का अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं एग्जामिनेशन में, सोचना नहीं है, सिर्फ आपने जो याद किया है उसको आपको रिप्रोड्यूस करते रहना है। Both the teacher and the parents constantly reinforce the fear of examination and the need to prepare for it in the only manner that seems practical, namely by memorizing a whole lot of information from the textbooks and the guidebooks. वो कह रहे हैं कि शिक्षक है वो भी, जो अभिभावक है वो भी, सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे को क्या करते हैं, reinforce करते हैं कि exam आने वाला है, exam आने वाला है, यानी कि परीक्षा का भय उनके मन में जागृत करते हैं, और वो सिर्फ textbook और guidebook में जो बहुत सारी information लिखी हुई है उसी को memorize करते हैं, उसको reproduce करते हैं information में, इसलिए learning एक burden है ना। आप इसको इस तथ्य में, इस light में देखिएगा कि learning क्यों बर्डन है, इस पे यशपाल जी अपने की कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। फिर टेक्स्ट बुक एज द ट्रूथ,
वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक है वही सत्य है आज के एग्जामिनेशन, मतलब कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है. द परवेजिव इफेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम कैन बी सीन इन द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड नॉट जस्ट गाइड बुक्स विच आर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड टू हेल्प चिल्ड्रन पास इन एग्जामिनेशन. मतलब कि जो टेक्स्ट बुक की रचना हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को परीक्षा में पास कराने के उद्देश्य से हुई है. If facts or information constitute the main burden of an examination, the same is true of textbooks. वो कह रहे हैं कि अगर examination system की main दिक्कत यह है कि वो सिर्फ fact और information आपसे पूछता है, तो यही दिक्कत textbook के लिए भी है. मतलब कहने का क्या है कि textbook में भी सिर्फ facts और information दिए गए हैं. Bearing exception, our textbooks appear to have been written primarily to convey information or facts rather than to make children think and explore. वो कह रहे हैं मुश्किल से कोई किताब, कोई पाठ्य पुस्तक ऐसी लिखी गई है जो बच्चे को सोचने के लिए, कुछ खोजने के लिए मोटिवेट करती है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करते हैं, सूचना बताते हैं, तथ्य बताते हैं बस. डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड्स एवरी डे लाइफ एंड द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक फर्दर एक्सेंचुएट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इनटू अ लोड. वो कह रहे हैं ये जो दूरी है, जो बच्चे का जीवन है, जो रोजमर्रा के जीवन में उसको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, और जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट दिया हुआ है, जो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है और जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी ने और बढ़ा दिया है और हमारे मतलब एक तरीके से नॉलेज को लोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है. टेक्स्ट बुक्स ट्रीट सब्जेक्ट्स इन ए मैनर दैट लीड्स टू एलिनेशन, मतलब alienation of knowledge from the child's world. जैसे कहते हैं ना alien, मतलब कि टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट को इस तरह से ट्रीट करती हैं कि बच्चे के संसार के लिए वो एलियन जैसी चीज है, मतलब बच्चे के संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है. फिर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स के संग क्या दिक्कत है, वी हार्डली नीड टू असर्ट दैट अवर टेक्स्ट बुक्स आर नॉट रिटन फ्रॉम द चाइल्ड्स व्यू पॉइंट. वो कह रहे हैं कि इस बात में कोई मना नहीं कर सकता है कि कोई हमारी पाठ्य पुस्तक बच्चे के हिसाब से नहीं लिखी गई है. Neither the mode of the communication, ना ही उस तरह से उसमें संप्रेषण की बात है, nor the selection of the objects, ना हमने जो उसमें objects चुने हैं वो बच्चों के संसार के हैं, nor the language convey the centrality of the child in the world constructed by the text, और ना जो उसमें text लिखा गया है वो बच्चों के संसार से उसका कोई लेना देना है. An artificial, sophisticated style dominates textbooks. वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक ऐसे लिखी गई है बच्चे को लगी नहीं ना, बच्चे के संसार से उसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, बच्चे की जो शब्दावली है उसके कोई शब्द उसमें है नहीं. एक एक आर्टिफिशियल तरीके की किताब है जो सोफिस्टिकेटेड स्टाइल से लिखी गई है और री इन्फोर्सिंग द ट्रेडिशन ऑफ डिस्टेंसिंग नॉलेज फॉर लाइफ. और इसका मेन मुद्दे उद्देश्य क्या है कि जीवन से ज्ञान को ये दूर करती है. The language used in textbooks thus deepens the sense of burden attached to all school-related knowledge. तो कह रहे हैं कि जो भी भाषा इस्तेमाल की गई है टेक्स्ट बुक्स में वो भी बर्डन को बढ़ाती है. क्यों? क्योंकि बच्चे के संसार से वो कहीं उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है. फिर ऑब्जर्वेशन डिस्करेज, मतलब कि हमारी टेक्स्ट बुक्स ऐसे लिखी गई हैं कि वो कहीं ना कहीं कहीं भी हमको प्रेक्षण करने के लिए करेज नहीं देती, इनकरेज नहीं करती, वो डिस्करेज करती. कैसे? A highly disturbing tendency we discovered in text writing, which exacerbates the problem we are discussing, is that of treating pictures as substitutes for experience. मतलब जैसे वो ये नहीं कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि एक हरा भरा वृक्ष है, वो हरे भरे वृक्ष का आपको पिक्चर दिखा देंगे. इसका मतलब कल्पना हमने की ही नहीं, ऑब्जर्व हमने किया ही नहीं. वी फाउंड टेक्स्ट बुक्स आस्किंग चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व अ पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्टडी रादर देन asking children and the teacher to go out and observe the object itself in nature. मतलब उनको लिखना चाहिए कि आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को का ऑब्जर्वेशन कीजिए और फिर देख कर आइए उसका तना कैसा है, पत्ती कैसी है, जड़ कैसी है. तो हम क्या करते हैं, उसका चित्र बना देते हैं. तो हमारी टेक्स्ट बुक क्या करती है, पिक्चर को मतलब एक्सपीरियंस को उन्होंने पिक्चर से सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन को वो डिस्करेज करती है. समझ में आ रही बात. फिर स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, जबकि हमने सिलेबस कैसे बनाया है. The absence of the child's viewpoint is also reflected in the organization of syllabi in different subjects. वो कह रहे हैं विभिन्न विषयों में जो संगठन है पाठ्यचर्या का, मतलब जो टॉपिक लिखे गए हैं जो हमको पढ़ने हैं, उसमें भी हाँ कोई एक कोहरेंस नहीं है. syllabi lacks an overall organization or coherence. कोई उसमें संगति नहीं है, एक तरीके से नहीं चल रहा है, एकदम अलग थलग है ना, कोई उसमें संगठन नहीं है. This weakness of organization apparently leads to memorization and poor comprehension, both exacerbating the sense of curriculum load. वो कह रहे हैं चूंकि उसमें संगठित नहीं हमारी पाठ्यचर्या, तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, याद करता है और बहुत बेकार तरीके से उसके में कुछ समझता है, तो ये भी एक तरीके से curriculum load को क्या करता है, बढ़ाता है.
gaps between the secondary and the senior secondary stages seem to be glaring in the science syllabi. वो कह रहे हैं सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच का जो सिलेबस का गैप है वो बहुत बड़ा है. रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो लीड्स टू बोर्डम एंड इट्स सेंस ऑफ लोड. और वो कह रहे हैं कि कंसेप्ट जो है आप बार बार रिपीट करते हैं तो बच्चे को बोरिंग लगता है और उसका लोड भी बढ़ाता है. सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम लोड. कह रहे हैं हिस्ट्री में इतना कुछ है पढ़ने के लिए. आप बच्चे से पूछेंगे जनरली कि आपको कौन सा विषय सबसे खराब लगता है तो वो हिस्ट्री बताएगा. क्यों? क्योंकि वो कहेगा उसमें इतने सारे युद्ध, उनकी इतनी तिथियां, संधियां, सब उसको याद करना पड़ता है. तो आप हिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग विषय है लेकिन हमने उसको करिकुलम लोड में कन्वर्ट कर दिया. द हिस्ट्री सिलेबस कंटिन्यूज टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन. तो बच्चे के लिए वो सोचता होगा कि इतने साल, 100 साल पहले लड़ाई हुई, इससे हमको क्या लेना देना, हमको हमारे ऊपर उस वक्त, मतलब उसको आपने कहीं जीवन से नहीं जोड़ा, उसको आपने कहीं ये नहीं बताया कि सिचुएशन कैसी थी, तो इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है. सिर्फ कब ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध हुआ, बहुत संधि में क्या लिखा गया, सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ इन्फॉर्मेशन. इसलिए जो हिस्ट्री है वो एक करिकुलम लोड का एग्जाम्पल बन के रह गया है. ठीक है, फिर स्टार्टिंग अर्ली. हमको लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें. The general problems of curriculum conceptualization that we have discussed in this part of our report can all be seen reflected in the emerging pre-school sector of the education system. वो वही बात फिर से निकल के आई कि despite official stipulations, बार बार कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे को आप टेक्स्ट बुक के साथ मत पढ़ाइए, लेकिन हम उनको जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं, ये बुक्स आपकी करेंगी, ये बुक्स लेके आनी है. The sense of compulsion comes from a widespread feeling that unless academic training of a child starts early, he or she cannot cope up the fast-paced pedagogy and the competitive ethos of the later school years. वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हमारा स्कूल है, सब इंग्लिश में बात होती है, बहुत हमारा बढ़िया रिजल्ट रहता है, तो हमारा जो ethos है स्कूल का उसको बच्चा जल्दी से जल्दी grasp कर ले, इसलिए हम जल्दी से जल्दी उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना. The pernicious grip of this false argument manifests itself in absurd and of course deeply harmful practices in preschools and primary schools such as early emphasis on shapely drawing, writing and memorizing information. मतलब बहुत शुरुआत में आप एकदम बढ़िया बनाने लगी है, आपको बिल्कुल सटीक याद हो, हाँ बिल्कुल अच्छा आप कर्सिव राइटिंग में लिखिए, ये सब एक तरीके से क्या है, दिक्कत है बच्चे के लिए, लोड का काम करता है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द चाइल्ड्स नेचुरल एबिलिटीज आर बीइंग स्मॉदर्ड एट अ स्केल सो वास्ट दैट इट कैन नॉट बी करेक्टली एस्टिमेटेड. अवर नेशनल कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज डेली चैलेंज्ड इन अवर नर्सरीज एंड प्राइमरी स्कूल्स. देखिए लाइन कितनी अच्छी है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा नेशनल कमिटमेंट है, तो राष्ट्रीय हमने एक कमिटमेंट लिया है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करेंगे, वो रोज हमारी नर्सरीज में, हमारे प्राइमरी स्कूल में चैलेंज किया जाता है, रोज उसको चुनौती मिलती है कक्षा कक्ष में. क्यों? क्योंकि हम बच्चे से बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों की अपेक्षा करते हैं और इस तरह से क्या होता है, जॉय खत्म हो जाता है और वो लोड और बोर्डम में तब्दील हो जाता है. फिर टीचिंग एवरीथिंग, हमको सब कुछ पढ़ा देना, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं. द प्रॉब्लम ऑफ डेंसली पैक्ड सिलेबस, है ना, सब कुछ है सिलेबस में, एवरीथिंग इन, जैसे कि इन ज्योग्राफी टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, हम सब इसमें महाद्वीप, उपद्वीप सब पढ़ाएंगे. बीइंग कवर्ड अंडर रीजनल ज्योग्राफी बिटवीन क्लासेस 6th and 8th, है ना. वी आर नॉट साइटिंग दिस एग्जांपल एज अ स्पेसिफिक केस टू बी लुक्ड इनटू बट एज एविडेंस ऑफ अ डीपली रूटेड टेंडेंसी रादर ऑल आइडियोलॉजी व्हिच इंपेल्स सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक प्लानर्स टू इंक्लूड एवरीथिंग without any regard for children's ability at different ages to learn and the time available in an average school for teaching a subject. वो कह रहा है कि एक average subject को एक school में पढ़ाने के लिए कितना time मिलता है, इसको भी तो ध्यान में रखिए कि आप सब कुछ include कर देंगे syllabus में तो क्या होगा, teacher जल्दी जल्दी पढ़ाएगा, बच्चे को बहुत सारा याद करना पड़ेगा, तो इन सब में क्या है, ना कहीं कोई joy है, ना कहीं कोई exploration है, ना कोई thinking है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी information का memorization है. फिर नॉट जस्ट एन अर्बन प्रॉब्लम, ये मत समझिए कि सिर्फ शहरी विद्यालय की बच्चों की ये दिक्कतें हैं, ये रूरल एरिया तक पेनिट्रेट कर चुका है. द प्रॉब्लम वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई इन दिस पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज नॉट कन्फाइंड टू अर्बन एरियाज एज सम पीपल थिंक. इट इज डीपली रेलेवेंट टू चिल्ड्रंस एजुकेशन इन रूरल इंडिया, ऑल्दो देयर मोर बेसिक प्रॉब्लम सच एज एब्सिमली पुअर, लिखना चाहिए था absently poor conditions of schools, absenteeism among teachers etc may cloud the problem curriculum load. वो कह रहे हैं कि वहां भी ये दिक्कतें हैं, लेकिन वहां ज्यादा दिक्कत बड़ी किस बात की है कि वहां पे सुविधाएं नहीं है, शिक्षक रोज पहुंचते नहीं है. In our view, the problem of high dropout rate which has rightly preoccupied our
policy makers for a long time has one of its origins in the curriculum scenario we have quoted. वो कह रहे हैं कि बार बार बहुत सारे commissions, committees drop out की बात करते रहे ना कि बच्चा क्यों छोड़ दे रहा है, बच्चा क्यों छोड़ दे रहा है अपना पढ़ाई, इसीलिए कि curriculum load है उसके ऊपर, वो इतना burden है उसके ऊपर, उसको कुछ मजा नहीं आ रही है, वो जो ज्ञान है उसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है. यानी कि ये जो curriculum load है ये भी एक basic, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है dropout. A curriculum policy that takes away the elements of joy and inquiry from learning obviously contributes to the rate at which children leave school in early years, undoubtedly under the force of economic and social circumstances. अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये समस्या की जड़ क्या है, कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुई. समस्या तो है कि curriculum load है, learning एक burden के रूप में बच्चा स्वीकार करता है, मतलब बच्चा महसूस करता है. Knowledge versus information, हमने क्या किया है, ज्ञान को सूचना समझ लिया है. The notion that there has been an explosion of knowledge apparently treats knowledge and information as synonymous. Knowledge मतलब explosion of knowledge, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का विस्तारण हो रहा है. हमने क्या सोच लिया उसको, सूचना का विस्तारण, हमने एक दूसरे synonymous मान लिया. यही गलती है, यही जो समस्या की जड़ है. It is true that 20th century has been a period of massive expansion in human capacity to find new facts and to store them, but the concepts and theories that assist in the generation and organization of information call hardly be said to have multiplied at an explosive rate. वो कह रहे हैं सूचना सिर्फ explosive rate पर बढ़ रही है, ज्ञान जो theories हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं. Also, the important thing in children's education ought to be concept formation and growth of capacity for theory building rather than possession of vast amounts of information. यानी हमको उनको सिखाना है वो concept formation कर सकें, उनके अंदर theory building की capacity develop हो सके, ना कि बहुत बहुत सारी सूचना वो एकत्रित कर सकें. The explosion of knowledge idea prevents us from appreciating that learning in childhood is not the same thing as storing information about different subjects. यानी कि ये नहीं है कि हमने बहुत सारी सूचना एकत्रित कर ली है, याद कर ली है, उसको आप ज्ञान के समतुल्य नहीं मान सकते हैं. Such a confusion leads to the neglect of understanding as an aim of education. है ना? तो ये जो confusion हुआ है, knowledge को जो information मान लिया गया है, उससे क्या है? Understanding जो aim है education का, उसको हमने कमतर मान लिया, उसको हमने neglect कर दिया. It would be correct to say that this neglect of understanding has gone so far and deep in our education system that the child can pass almost any examination without any understanding of the phenomena he or she has been told about in books or in the classroom. वो कह रहे हैं कि ये जो neglection of understanding का जो किया है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, इतना वो गहरा गया है कि बच्चा कोई भी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट पास कर सकता है, बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकता है, जबकि उसको कुछ भी समझ में ना आया हो कि कौन कौन सी घटनाएं कंसेप्ट उसको पढ़ाया गया है. क्यों? क्योंकि समझ हम पूछते ही नहीं है एग्जाम में, हम पूछते क्या है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चे. फिर आइसोलेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम क्लासरूम रियलिटीज, वो कह रहा है कि जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं उनको हमने ले लिया एक्सपर्ट, और वो जो एक्सपर्ट हैं जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं उनका क्लासरूम रियलिटीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जनरली हायर एजुकेशन के प्रोफेसर होते हैं. इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप मतलब लोकल, वो जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, उससे उसको टेक्स्ट बुक के राइटिंग में इंक्लूड कीजिए. The new topics and information put into the syllabus and textbooks at the time of each successive revisions are usually added at the behest of experts of different subjects. ठीक है? These experts are university level teachers. वो कह रहे हैं university level का teacher है वो. Sometimes including individuals of high stature in the research world. कभी कभी वो है अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो बच्चे के संसार के बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है. Their involvement in the writing or revision of textbooks is indeed appreciable, but they have little exposure to children in classroom situations. बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं क्लासरूम सिचुएशन में, इसका उनको आइडिया नहीं है. This limitation of the experts extends to their possible ignorance of children and of the processes that children use for learning. लिखना चाहिए तो हो, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है. लर्निंग न्यू आइडियाज, है ना. वो कह रहे हैं कि ये जो लिमिटेशन है एक्सपर्ट की, कि ज्ञान तो है उसके पास लेकिन वो बच्चे को नहीं जानता है, उसके संसार के बारे में नहीं जानता है, तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो उस तरह से नहीं लिखी जा सकती है. चाइल्ड के सेंट्रलिटी से, उसके व्यू पॉइंट से नहीं लिखी जाती है. टेक्स्ट बुक सिंपली डू नॉट रिफ्लेक्ट द वर्सेटाइल सर्च ऑफ द ऑर्डिनरी चाइल्ड फॉर क्लूज टू मेक सेंस ऑफ नेचुरल और सोशल फिनोमेना. समझ वाली बात. फिर सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर, वो कह रहे हैं इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करिकुलम प्लानिंग एंड टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन वी फील द सिस्टम इनवाइट्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपॉन इटसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अननेसेसरीली सेंट्रलाइज्ड. हमने क्या किया है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, केंद्रीकृत कर दिया है. कैसे? इट सीम्स देयर इज अ वाइडस्प्रेड मिसकंसेप्शन व्हिच जस्टिफाइज सेंट्रलाइजेशन इन दीज मैटर्स. और एक हमने मिसकंसेप्शन पाल लिया है कि ये जो हमने सेंट्रलाइजेशन किया है ये बढ़िया है.
This misconception treats the content of syllabus and textbook as synonymous with learning and testing norms. मतलब वो कह रहे हैं कि सिलेबस में जो हमने पॉइंट्स कंसेप्ट लिखा और टेक्स्ट बुक में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को हमने मान लिया है कि वही लर्निंग है और उसी को हमको टेस्ट करना है. कवरिंग द सिलेबस मीन्स कवरिंग और फिनिशिंग द टेक्स्ट बुक. This kind of perception results in the confinement of classroom like a narrow orbit. तो हमने पढ़ाई लिखाई को सिर्फ और सिर्फ examination तक और जो textbook में लिखा है उस तक सीमित कर दिया है. Classroom knowledge assumes total independence from the child's own experience and knowledge of the world. और उसमें हमने बच्चे को कहीं include नहीं किया. As a consequence of this decoupling, children begin to compartmentalize knowledge into two categories: that which has currency in school and classroom, and the other which has use and relevance outside. वो कह रहा है कि इस तरह का जो हमने कंपार्टमेंट बनाया है तो बच्चा क्या समझता है कि नॉलेज दो तरीके का होता है, एक जो क्लासरूम में इस्तेमाल करना है उसको और एक जो उसकी जिंदगी में इस्तेमाल होगा. मतलब कहीं हमने जोड़ा ही नहीं है कि ज्ञान को उसके रोजमर्रा की जिंदगी से. ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारा होता है ना टाइप करने के लिए, तो आई डोंट नो कैसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको प्लीज ध्यान दीजिएगा. कन्वेंशन ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट, मतलब हमारी शिक्षा हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग चली आ रही है उसका मतलब सिर्फ ये रह गया है कि टेक्स्ट को पढ़ाना है, जितना किताब में छपा हुआ है हमको उसको पढ़ा देना और वही सब खत्म हो जाएगा. लैक ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन इज द मेजर फैक्टर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनरियलिस्टिक सिलेबस और करिकुलम. वो कह रहे हैं चूंकि हमने जो बच्चे को पढ़ाता है उसको टेक्स्ट बुक राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया, जिसको इन्वॉल्व किया है उसको ज्ञान तो है पर वो बच्चे को नहीं जानता है, तो हम एक अनरियलिस्टिक टेक्स्ट बुक बच्चे के लिए लेकर आते हैं. जिसका मतलब ये बात दूसरी है कि 1993 में ये लिखा गया है, आपकी यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद बहुत सारे रिकमेंडेशन हुए, बहुत कुछ चीज़ें सुधर गई, लेकिन हमको इसको 1993 के परिप्रेक्ष्य में देखना है पहली बात, और दूसरी बात ये कि अभी भी ऑल टुगेदर चीज़ें सुधरी नहीं है. ठीक है, 1993 का है, 2023 चल रहा है, आप समझ सकते हैं. Boredom is the inevitable outcome when a poorly written textbook is taught in a rigid mechanical manner. ये poorly है, I don't know कैसे tersely हो गया है ना, ये poorly है. तो वो कह रहे हैं कि जब बेकार तरीके से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक को आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या निकल के आएगा कि एक rigid, एक mechanical तरीके से, एक boring तरीके से बच्चा उसको perceive करता है. Poor grasp among teachers of their role as translators of the curriculum into classroom activity is a widely prevalent characteristic of our system. है ना, feel that strategies to improve textbook writing and production must work parallel to strategies for improvement in teacher training and for creating an ethos in which teachers would feel motivated to take an academic interest in their work. वो कह रहे हैं कि जितना ध्यान हमको इस पर देने की जरूरत है कि जो इन सर्विस या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें हमको अच्छे शिक्षक तैयार करने, उतना ही जरूरी है कि अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखी जाए. प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक को आप इग्नोर करेंगे. ठीक है, by and large teacher training continues to be isolated from mainstream academic areas related to education. और वो कह रहे हैं ज्यादातर जो टीचर ट्रेनिंग, अगर आप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और इन पे जाएंगे तो बहुत सारी उनमें कमियां हैं, और एक तरीके से जो सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में कमी है वो इसीलिए है कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे. तो वो कह रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो बेकार तरीके से चल रही है, मेनस्ट्रीम से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भी जो कन्वेंशन ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट की प्रॉब्लम है वो यहां से आती है. फिर कॉम्पिटिशन बेस्ड सोशल इथॉस और लास्ट में एब्सेंस ऑफ एकेडमिक इथॉस. तो कॉम्पिटिशन बेस्ड सोशल इथॉस क्या कह रहे हैं कि सोशल इथॉस पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरियाज आर नाउ फुली इंट्रेंच्ड इन द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट व्हिच इज फास्ट बिकमिंग अवर वे ऑफ लाइफ. The desire to catch up with the industrially developed countries has given it further impetus. मतलब competition, पूरा social ethos इस पे बना हुआ है कि हमको competition में रहना है, और हम developed countries से अपने आप को compare करते हैं और हम कहते हैं कि वहाँ पे भी तो इतना पढ़ा दिया जाता है बचपन में, तो आपको local context भी तो देखना चाहिए ना. Rising aspirations of people in all sections of the society and the growing realization that education is an important instrument to fulfill their aspirations have resulted in a craze for admission to English medium schools which start imparting formal education too early in the life. मतलब हमको बच्चे को बड़े होके इंजीनियर बनाना है, हमको उसको विदेश पढ़ने भेजना है, तो हम बचपन से एक क्रेज चल रहा है, एक होड़ चल रही है, दौड़ चल रही है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे का जल्दी से जल्दी एडमिशन करा दें ताकि जल्दी से जल्दी वो बहुत कुछ सीख जाए, इंग्लिश में बात करने लगे. The educated sections of the society believe that command over English is the key to upward mobility in social life. है ना, ऐसा है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि जितनी जल्दी बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा वो सामाजिक जीवन में उसको अपवर्ड मोबिलिटी मिल जाएगी, मतलब ऊपर की ओर उसको वो गति कर सकेगा अगर वो बढ़िया इंग्लिश बोल सकता है. तो
This has led to unprecedented growth in the number of private schools where English is not only taught as a subject but is also used as a medium of education in all subjects right from class first. तो इसलिए क्या होता है कि इंग्लिश इतना ये क्रेज बढ़ गया कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए जो कि ना सिर्फ इंग्लिश को एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं बल्कि सारे विषयों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, है ना. इट इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ पेडागॉजी दैट व्हाटएवर इज मेमोराइज्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रूव्स बर्डनसम फॉर चिल्ड्रन. और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चा जो कुछ सिर्फ याद करता है समझता नहीं है वो उसके लिए क्या है, बर्डन है. जब बचपन में बहुत छोटा बच्चा है उसको एबीसीडी नहीं आती है, आपने उसको इंग्लिश में स्टोरी दे दी याद करने की, आपने इंग्लिश की स्टोरी का अर्थ तो बताया नहीं उसको, और बताएंगे भी तो वो कितना समझ पाएगा कि किसका क्या मतलब है जब वो एबीसीडी पढ़ रहा है. तो वो क्या है, उसके लिए बर्डन है, उसके लिए लोड है, यही प्रॉब्लम है. इसीलिए सारे हमारे कमीशन कमिटीज कहते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जाए, पर हमारी मदर टंग इंग्लिश तो है नहीं, ठीक है. और फिर एब्सेंस ऑफ एकेडमिक इथॉस, जिस तरह से सोशल इथॉस का एक प्रभुत्व बढ़ गया है उसी तरह से एकेडमिक इथॉस की कमी है. एडिक्वेट टाइम, स्टाफ, एकोमोडेशन एंड इट्स मेंटेनेंस, फंड्स, पेडागॉजिकल इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड आर एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शंस. बट अनफॉर्चुनेटली एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स डू नॉट हैव इवन द मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी. वो कह रहे हैं समय होना चाहिए पर्याप्त, स्टाफ होना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए स्कूल के पास, पेडागॉजिकल इक्विपमेंट होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, कम से कम इतना प्री स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है. लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रिजिड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड ग्रोइंग सिनिसिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सेंस ऑफ एकेडमिक इथॉस इन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स. क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता है इसलिए हमारे बहुत सारे विद्यालय जो हैं वो एकेडमिक इथॉस को लैक करते हैं. The methods of teaching used by majority of teachers are devoid of any type of challenge for the students. Transmission of information चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है क्लासरूम में, सूचना का संप्रेषण, सूचना का संप्रेषण, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं. Must we in the name of so called proper education go on committing the murder of their innate desire to discover, to learn on their own. वो कह रहे हैं क्या हम उनकी जो आंतरिक इच्छा है कि वो कुछ सीखें, कुछ अपने से खोज कर पढ़ें सीखें, उसका मर्डर नहीं करते रोज क्लास में प्रॉपर एजुकेशन के नाम पर. ये पूछ रहा है यशपाल कमेटी की रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में कह रही है, ठीक है. फिर उसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिए, बहुत, मैं उसको जल्दी कवर अप करूंगी बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत लेंदी हो गया है. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम बताई कि नॉलेज एक्सप्लोजन और कैचिंग अप सिंड्रोम, ये सब कुछ हमको जल्दी से पकड़ लेना है, और नॉलेज को उन्होंने इन्फॉर्मेशन से क्या कर दिया, सिनोनिमस मान लिया. यही दो मेन दिक्कतें इनको समझ में आई और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे सुधार के सुझाव दिए हैं. जैसे ग्रुप एक्टिविटीज कराइए, वो कह रहे हैं. प्रोसेस ऑफ करिकुलम फ्रेमिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड, वो कह रहे हैं सेंट्रलाइज मत करिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए. उसमें बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनको भी इन्वॉल्व कीजिए. वो कह रहे हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कीजिए. और क्या कह रहे हैं, एजुकेशन कमिटीज बनाइए विलेज के, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि प्लानिंग और सुपरविजन देख सके स्कूलों का. सफिशियंट कंटिजेंसी दीजिए स्कूलों को ताकि वो अच्छा खरीद सकें सामान, इक्विपमेंट, सब कुछ. फिर कह रहे हैं टेक्स्ट बुक राइटिंग के कल्चर को बदलिए. कह रहे हैं अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अपनाइए ताकि आप ओपनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की कितने बजे खुलना है, कितनी देर चलना है, इन सबका एक लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होना चाहिए. जो नर्सरी क्लास में एडमिशन के बच्चों का टेस्ट दिया जाता है उसको बंद कीजिए. नॉर्म्स फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू प्राइवेट स्कूल्स मस्ट बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट, यानी कि अगर आप प्राइवेट स्कूल को ग्रांट दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो इसकी बढ़िया से उसकी नॉर्म्स चेक कीजिए कि वो सारे नॉर्म्स फुलफिल करता है कि नहीं, ठीक है. फिर आप यंग चिल्ड्रन को मत कहिए कि रोज हैवी बैग लेके आइए. अगर वाकई आपको किताबों से पढ़ाना है तो किताब अपने स्कूल में ही रख लीजिए और बच्चा वहीं से पढ़े, वहीं जमा हो जाए, रोज आना जाना लेकर वो ना करे, है ना. नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ होमवर्क, वो कह रहे हैं कि होमवर्क का नेचर चेंज कीजिए, उसको कुछ एक्सप्लोर करने को कहिए, उसको कुछ ऑब्जर्व करने को कहिए, उसको कुछ करने को दीजिए, सिर्फ नोटबुक पे लिखने को मत दीजिए. फिर कह रहे हैं कि टीचर प्यूपिल रेशियो जो 1:40 चल रहा है उसको 1:30 ले आइए तो बढ़िया हो जाएगा. इनएडिक्वेट प्रोग्राम ऑफ टीचर प्रिपरेशन जो है वो उसने क्वालिटी ऑफ लर्निंग को बिल्कुल बेकार कर दिया है, इसलिए बीएड प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कीजिए. डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड प्रोग्राम मत चलाइए. टीचर्स का जो एजुकेशन है कंटिन्यूइंग एजुकेशन उसको चलाते रहिए. जो क्लास 10th और 12th के अंत में जो पब्लिक एग्जामिनेशन लिया जाता है उसको टेक्स्ट बेस्ड और क्विज टाइप ना करके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चनिंग पूछिए.
कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट टीम बनाइए जो कि ये देखे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे उस टॉपिक में, और कितना टोटल टाइम जो है वो इतना कंसेप्ट पढ़ाने के लिए चाहिए होगा जो कि अवेलेबल होगा एक शिक्षण सत्र में। ये सब देखने के लिए एक प्रोजेक्ट टीम बनाई जाए। और क्या कहा उन्होंने कि मैथमेटिक्स करिकुलम को स्लोइंग डाउन एट द पेस एट विच चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू लर्न बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब धीरे धीरे चलिए। हर बच्चा उस पेस से नहीं सीख सकता। आज हमने वर्ग बताते हैं, वर्गमूल बताते हैं, फिर घनमूल बताते हैं, फिर इस तरह से बताते हैं, तो ऐसे मत चलिए, इतनी तेजी से मत चलिए, थोड़ा पेस स्लो कीजिए उसका। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स को कह रहे हैं कि इस तरह से लिखिए कि बच्चे को लगे कि उसी के संसार से रिलेटेड किताबें हैं, है ना। एकदम उसको ऐसी भाषा मत लिखिए जो बच्चे के लिए एलियन हो। कह रहे हैं साइंस सिलेबस और टेक्स्ट बुक को भी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रूम दीजिए, मतलब उसमें प्रयोग ज्यादा इंक्लूड कीजिए। जो नेचुरल साइंसेज हैं उसमें भी जो है एक्टिवली लिंक टू एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज डालिए। जो बिसाइड्स इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दी सोशल साइंस करिकुलम फॉर द क्लासेस 6 to 8 एंड 9 to 10th शुड कन्वे दी फिलोसफी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अवर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इनेबल दी स्टूडेंट्स टू एनालाइज, मतलब आप उनको सिर्फ सूचना संधि मत याद कराइए बल्कि उनको ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिले टेक्स्ट बुक में कि वो एनालाइज कर पाए, विश्लेषण कर पाए, समझ पाए, अपने विचार रख पाए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी उस सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में, कैसे हम डेवलप करके इस सिचुएशन में आए, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रायोरिटीज थी। इस तरीके से पढ़ाइए तो जो उसको पढ़ाई होगी वो बोझ नहीं लगेगी। तो हमने खुद करिकुलम लोड बच्चे को दे रखा है और लर्निंग को उसके बर्डन बना रखा है। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि सब कुछ कवर कर लूँ, कुछ छोड़ू नहीं, ताकि आप इस पे लॉन्ग शॉर्ट जैसा भी लिख सकें और आप इसका पूरा बेसिक मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हैं नेट से, यशपाल कमेटी रिपोर्ट जिसकी की टैगलाइन है लर्निंग विदाउट बर्डन, 1993 में सबमिट की गई है। तो इन्होंने यही बताया है कि किस तरह से हमने बच्चे के करिकुलम को इतना हैवी कर रखा है। सिर्फ उसका बस्ता नहीं भारी है, उसका करिकुलम भारी है, उसका पाठ्यक्रम भरा भारी है, जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम बोरिंग है। सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बच्चे की जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इसलिए उसको वो लोड लगता है, इसलिए वो बर्डन बन जाता है। ठीक है, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक लर्निंग बर्डन अंडर द मेन हेडिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।